वैसे खबर तो ये भी है कि इमरान खान की बगावत पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ तब्दीलियां ला सकती है, क्योंकि इमरान को लेकर सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, मरने मारने को उतारू हो रहे हैं। इसी तरह का सपोर्ट वैसे बताऊं आपको बिहार में भी दिख रहा है। यहाँ लोग धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन और राम कथा को सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। बाबा ने पटना में दरबार लगाया और एक बार फिर से राम राज्य सनातन हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा लिया। लाखों भक्त, भव्य पंडाल, बाबा का दिव्य दरबार और एक बार फिर सनातन का प्रचार। बिहार के पागलो, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया। सबके सामने कह दिया कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। और एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत राममय होगा। बाबा की लाइन क्लियर है, रायपुर हो या फिर नागपुर, नवी मुंबई हो या फिर पटना, धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सनातन की बात कर रहे हैं और फिर लगे हाथ भारत को राममय बनाने की, रामराज लाने के अपने वादे को दोहराते हैं। सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे हम काम और सेवा करते ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए, जो हनुमान जी हमसे करवाएंगे हम करेंगे, हम कुछ थोड़ी करते, करने वाले कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री पटना में बीते 3 दिन से हैं, अगले 2 दिन और रहेंगे। बाबा का क्रेज ऐसा है कि रविवार को 4 लाख से ज्यादा भक्त आ गए थे। पंडाल में जगह कम पड़ने लगी, इसलिए पहले सोमवार को कथा करने का प्लान कैंसिल करने की बात कही थी, लेकिन अचानक भक्तों के सामने आ गए, पर्चियां निकालने लगे। ये किसका नाम है? आपकी पत्नी नेहा कुमारी नामक अर्जी हुई पुत्र की जतिन की आर्थिक तंगी कर रहा है, गलत मार्ग में पड़ा है, वह खेल खेलता है, मोबाइल पर ऑनलाइन कलेश बन रहा है, बात नहीं मान रहा, मरने की धमकी देता है, वह पबजी खेलता है। अरे बाप रे, यही बात है, बोलो सही बात, बराबर सुधर जाएगा, बालाजी कृपा करें, कोई भूत बाधा नहीं है, बैठा है, हम सेना भेज देंगे, बैठा है, कंट्रोल हो जाएगा, यही दरबार में बैठा है, सुन रहा है, लेकर आए हो तुम उसको, हम कंट्रोल करवा भी, बब्बा जी पूछ घुमा दे, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री राम। कहाँ है भैया? ओ पबजी बारे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जाए आगे के लगे, नक्कटा इतिया नक्कटा, पबजी या खेला सब्जी ना बना है ऐसी। धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर विरोध के सुर भी उठे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा बवाल हो सकता है, मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने भरे मंच से नीतीश सरकार के इंतजाम की तारीफ की। लेकिन एक बात बोले, बिहार में यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे सबकी वर्दी पर पसीना आ रहा था, हमें बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे कारण बहुत मेहनत हो रही, लेकिन सभी जो सेवा में हैं पुलिस बल में वो भी बहुत प्रसन्न है। बोले महाराज जी, एक जने हमें मिले, बोले महाराज जी मेहनत तो ठीक है होती रहती है, आप आए हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमारा मन और बड़ा गदगद हो गया। तो यहाँ की प्रशासन को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का पटना दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब सभी सियासी दल 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नेता जानते हैं कि बाबा का एक वोट बैंक तो है, बाबा के सपोर्टर्स हैं, और अगर बाबा के सनातन प्रण वाला सिस्टम वोट में तब्दील हो जाए तो नेताओं की नैया पार हो सकती है, इसीलिए हर दल फिलहाल बाबा और उनके भक्तों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। बिहार में काबा,
बागेश्वर बाबा।